इमरान हाजमे ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसकी बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो चारकास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसरा शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक गेट वासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफटार पर इसे रिलीज कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर कि यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पे टेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इस वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ अवतार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो जमाना आ चुका है ओटडी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज भी देखने को मिलती है जैसे कि परची जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे से यहाँ पर यह भी एक सीरीज है शो टाइम कहाँ एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना अनदान नहीं मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी किमरान हासमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉकबस्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किसको इसलिए वह समीक्षा को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में खरीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंड बजा देती है इधर एक सुपरस्टार अरमान यानी कि राजीव कंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरे नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज़ बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुने विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा करके फिल्म की तराई यहाँ पर कुछ गहरा उतरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अरबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आजमी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे जरूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिज़नी प्लस है उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि अब आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस ऑफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी भाई दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हाजमी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जब भी यह हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाज़मी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारे ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू है वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो चार वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसराउद्दीन उद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा, बैंडिक सर्वेन सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इसे रिलीज कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर कि यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पे ट्रेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इस वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस अफ्तार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो ज़माना आ चुका है ओटड़ी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज़ भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत हुई की बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज़ है शोट टाइम कहान एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने ज़माने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना दान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कि मरान हासमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए उसके लिए ब्लॉकबास्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किसको इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में खरीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंट बजा देती है इधर एक सुपर स्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नज़रें नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छिनकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज़ बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज़ खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा करके फिल्म की तराई यहाँ पर कुछ गहरा उतरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अरबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आज़मी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पर ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिज्नी प्लस उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि अब आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज़ जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हाजमी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारे ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो चार काफ्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसराउद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक गेट सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात करते कि यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर टेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इसे वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो जमाना आ चुका है ओ का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे से यहाँ पर ये भी एक सीरीज़ है शो टाइम कहा एक नाम फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना दान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कैमरा हासमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉकबस्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किसको इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में ख़रीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंट बजा देती है इधर एक सुपरस्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नज़रें नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में दृंड शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है। ये सीरीज बॉलीवुड के फिल्म की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुना है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंड्राकर करके फिल्म की तरह ही यहाँ पर कुछ गहरे उधरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है हर बार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आजमी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगे जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिजनी प्लस उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अब आप, आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज़ जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान नजमी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जब भी यह हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमे ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो सारकास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाजमी है नसराउद्दीन उद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक सर्वेन वासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर कि यहाँ पर आपको इसकी खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर ट्रेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इस वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो ज़माना आ चुका है ओटडी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज़ भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत हुई की बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे ही यहाँ पर ये भी एक सीरीज़ है शो टाइम कहाान एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना दान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमान है तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कि मनमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कॉन्टेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए उसके लिए ब्लॉकबस्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किसको इसलिए वह समीक्षक को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में खरीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंट बजा देती है इधर एक सुपरस्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरें नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपने मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छिनकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज़ बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज़ खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुने विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडराकर करके फिल्म की तरह यहाँ पर कुछ गहरा उदरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अरबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आज़मी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिज़नी पिल्ला सॉफ्टवेयर पर ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिज्नी प्लस है उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि अब आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज़ जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हाजमी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसकी बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो कास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसराउद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक गेट सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्स भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात करते कि यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेंगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर टेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इसे वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टर पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो जमाना आ चुका है ओटडी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत की बहुत ज्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज है शो टाइम कहा ने एक नाम फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना अनदान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कैमराजमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉक बफ्तर भी मतलब परी होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किसको इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में ख़रीद लेता है लेकिन एक नई नोल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंट बजा देती है इधर एक सुपर स्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरे नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुने विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा कर की फिल्म की तरह ही यहाँ पर कुछ गहरा उधरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अखबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आज़मी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिजनी प्लस उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अब आप, आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हजमी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जब भी यह हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमे ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहें तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू है वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो सारकास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते है। मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसरा उद्दीन शाह महिमा मकवाना मौनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिशा बैंडिक गेट सरवेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर कि यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पे ट्रेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इस वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ अफतार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो ज़माना आ चुका है ओटड़ी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज़ भी देखने को मिलती है जैसे कि की तो बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज़ है शोट टाइम कहान एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने ज़माने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना नहीं मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कि मरान के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कॉन्टेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए उसके लिए ब्लॉकबस्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो, किसको? इसलिए वह समीक्षक को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में खरीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंड बजा देती है इधर एक सुपरस्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नज़रें नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छिनकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज़ बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज़ खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडराकर करके फिल्म की तरह यहाँ पर कुछ गहरा उतरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अखबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आज़मी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिज्नी प्लस उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि अब आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज़ जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस ऑफ्टेर पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हाजमी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाज़मी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं ही के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसकी बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो कास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाजमी है नसराउद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक गेट सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्स भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टार पर इसे रिलीज कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर टेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इसे वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस स्टार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो जमाना आ चुका है ओ का जहाँ पर बहुत सारी तगड़ी सीरीज भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत विक बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे ही यहाँ पर ये भी एक सीरीज है शो टाइम कहाान एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना अनदान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी किमरन राशि के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉकबास्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किस इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में ख़रीद लेता है लेकिन एक नई नवेल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंट बजा देती है इधर एक सुपरस्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरे नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुना है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा कर की फिल्म की तरह ही यहाँ पर कुछ गहरा उधरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अरबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आजमी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिज़नी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिजनी प्लस है उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अब आप, आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस ऑफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान अजमी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी यह हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमे ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले है आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो सारकास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाजमी है नसरा उद्दीन शाह महिमा मकवाना मौनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिश्ता बैंडिक गेट सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इसे रिलीज कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर कि यहाँ पर आपको इसकी खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर ट्रेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इस वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस अफ्तार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो ज़माना आ चुका है ओटड़ी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज़ भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत हुई की बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज़ है शोट टाइम कहान एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना दान रही के धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कि मरान हासमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कॉन्टेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए उसके लिए ब्लॉकबास्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो, किसको? इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में खरीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंड बजा देती है इधर एक सुपर स्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरे नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छिनकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज़ बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज़ खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुना है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडारा करके फिल्म की तरह यहाँ पर कुछ गहरा उतरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अरबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आज़मी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिज़नी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिज्नी प्लस है उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि अब आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हाजमी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो कास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसराउद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक गेट सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेंगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर टेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इसे वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड की दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो जमाना आ चुका है ओट का जहाँ पर बहुत सारी तगड़ी सीरीज भी देखने को मिलती है जैसे कि परची जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज है शो टाइम कहा एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन शाह और अपने ज़माने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना दान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कैमराजमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉक बफ्तर भी मतलब परी होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किसको इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में ख़रीद लेता है लेकिन एक नई नोल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैट बजा देती है इधर एक सुपरस्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नज़रें नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृंड शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुना है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा कर की फिल्म की तरह ही यहाँ पर कुछ गहरा उतरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अखबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आजमी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिजनी प्लस उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अब आप, आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी भाई दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान नजमी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जब भी यह हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारे ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहें तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू है वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो चारकास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाजमी है नसराउद्दीन उद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक सर्वेन वासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्ज भी करते हैं तो लगभग इसका एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टर पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर कि यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर ट्रेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इस वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस अफतार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो ज़माना आ चुका है ओटड़ी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज़ भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत हुई की बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे से यहाँ पर ये भी एक सीरीज़ है शो टाइम कहान एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना अनदान नहीं मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमान है तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कि मासमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कॉन्टेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए उसके लिए ब्लॉकबस्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो, किसको? इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में ख़रीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैट बजा देती है इधर एक सुपरस्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरें नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपने मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छिनकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज़ बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज़ खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडराकर करके फिल्म की तरह यहाँ पर कुछ गहरा उतरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अखबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आज़मी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिज़नी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिज्नी प्लस है उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि अब आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज़ जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हाजमी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जब भी हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारा वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू है वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो चारकास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसराउद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक गेट सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्स भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर टेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इसे वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टर पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो जमाना आ चुका है ओ का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत विकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे ही यहाँ पर ये भी एक सीरीज है शो टाइम कहाान एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना अनदान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी किमराशमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉकबास्टर भी मतलब परी होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किस इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में ख़रीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंड बजा देती है इधर एक सुपर स्टार अरमान यानी कि राजीव कंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरे नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुना है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधु भंडराकर की फिल्म की तरह ही यहाँ पर कुछ गहरा उतरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है हर बार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आजमी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ यह आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिजनी प्लस है उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अब आप, आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस ऑफ्टर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हजमी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी यह हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमे ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो चार वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसराउद्दीन उद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा, बैंडिक सर्वेन सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इसे रिलीज कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर कि यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पे ट्रेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इस वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस अफ्तार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो ज़माना आ चुका है ओटड़ी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज़ भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत हुई की बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज़ है शोट टाइम कहान एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने ज़माने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना दान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कि मरान हासमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉकबास्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किसको इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में खरीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंट बजा देती है इधर एक सुपर स्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नज़रें नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छिनकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज़ बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज़ खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा करके फिल्म की तराई यहाँ पर कुछ गहरा उतरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अरबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आज़मी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पर ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिज्नी प्लस उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि अब आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज़ जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हाजमी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले है आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसराउद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक गेट सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर टेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इसे वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो जमाना आ चुका है ओ का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत की बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज है शो टाइम कहा एक नाम फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना दान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कैमरा मरन में के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉकबस्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किसको इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में ख़रीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैट बजा देती है इधर एक सुपरस्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरे नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छिन अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में दृंड शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ बॉलीवुड के फिल्म की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुना है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंड्राकर करके फिल्म की तरह ही यहाँ पर कुछ गहरा उ दर्द नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अखबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आजमी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगे जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिजनी प्लस है उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी भाई दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान नजमी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जब भी यह हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमे ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारे ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो सारकास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाजमी है नसराउद्दीन उद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक सर्वेन सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर कि यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर ट्रेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इस वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो जमाना आ चुका है ओटड़ी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज़ भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत हुई की बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे ही यहाँ पर ये भी एक सीरीज़ है शोट टाइम कहाान एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना दान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमान है तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कि मनमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कॉन्टेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए उसके लिए ब्लॉक बस्तर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किसको इसलिए वह समीक्षक को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में खरीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैट बजा देती है इधर एक सुपर स्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नज़रें नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपने मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छिनकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज़ बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज़ खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा करके फिल्म की तरह यहाँ पर कुछ गहरा उ नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अरबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आज़मी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिज़नी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिज्नी प्लस है उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि अब आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज़ जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हाजमी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं ही के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारा वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसकी बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो कास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसराउद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक गेट सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्स भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर कि यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कहीं लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर टेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इसे वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस स्टार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो जमाना आ चुका है ओटडी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत की बहुत ज्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज है शो टाइम कहा ने एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना अनदान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कैमराजमे के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉक बा भी मतलब परी भाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किसको इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में ख़रीद लेता है लेकिन एक नई नोल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंड बजा देती है इधर एक सुपर स्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरे नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुना है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा कर की फिल्म की तरह ही यहाँ पर कुछ गहरा उधरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अरबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आजमी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिजनी प्लस उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अब आप, आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी भाई दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हजमी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जब भी यह हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमे ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहें तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू है वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो सारकास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसरा उद्दीन शाह महिमा मकवाना मौनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिशा बैंडिक गेट सरवेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर कि यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पे ट्रेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इस वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ अफतार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो ज़माना आ चुका है ओटड़ी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज़ भी देखने को मिलती है जैसे कि परचित की तो बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज़ है टाइम कहान एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना नहीं मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कि मरान हासमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कॉन्टेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए उसके लिए ब्लॉकबस्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो, किसको? इसलिए वह समीक्षक को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में खरीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंड बजा देती है इधर एक सुपर स्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरे नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छिनकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज़ बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज़ खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडारा करके फिल्म की तरह यहाँ पर कुछ गहरा उतरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अरबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आज़मी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पर ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिजनी प्लस उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि अब आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज़ जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हाजमी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले है और आज हम यहाँ पर इन्हीं ही के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारा वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसकी बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो चारकास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसराउद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक गैरेट सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्ज भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस ऑफ्टेर पर इसे रिलीज कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर टेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इसे वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस स्टार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो जमाना आ चुका है ओट का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत की बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज है शो टाइम कहाान एक नाम फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना अनदान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी किमरन राशि के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉक भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किस इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में ख़रीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंट बजा देती है इधर एक सुपरस्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरे नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुना है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा करके फिल्म की तरह ही यहाँ पर कुछ गहरा उधरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अखबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आजमी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिजनी प्लस है उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अब आप, आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी भाई दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान नजमी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी यह हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमे ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले है आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो सारकास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाजमी है नसराउद्दीन उद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिश्ता बैंडिक सर्वेन सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इसे रिलीज कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर कि यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पे ट्रेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इस वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्तार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो ज़माना आ चुका है ओटड़ी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज़ भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत हुई की बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज़ है शोट टाइम कहान तो एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना दान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमान है तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कि मनमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉक बस्तर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किसको इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में खरीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंड बजा देती है इधर एक सुपर स्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरें नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छिनकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज़ बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज़ खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुना है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडारा करके फिल्म की तरह यहाँ पर कुछ गहरा उतरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अरबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आज़मी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिज़नी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूंगा हालांकि तो डिज़नी प्लस है उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको वहां पर बहुत सारी फिल्में शोज जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हाजमी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं ही के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारे ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसकी बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो चारकास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसराउद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक गेट सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पे टेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इसे वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस स्टार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो जमाना आ चुका है ओटडी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज भी देखने को मिलती है जैसे कि परची जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज है शो टाइम कहाँ एक नाम फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन शाह और अपने ज़माने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना दान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कैमरा हासमे के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉक भी मतलब परी होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किस इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में ख़रीद लेता है लेकिन एक नई नोल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैट बजा देती है इधर एक सुपरस्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नज़रें नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृंड शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुना है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा कर की फिल्म की तरह ही यहाँ पर कुछ गहरा उधरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अखबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आजमी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल यहाँ को यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगे जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मज़ा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिजनी प्लस उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अब आप, आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी भाई दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान नजमी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जब भी यह हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहें तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू है वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो सारकास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाजमी है नसराउद्दीन उद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक सर्वेन वासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर कि यहाँ पर आपको ख़ास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर टेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इस वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस अफतार पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो ज़माना आ चुका है ओटडी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज़ भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत तो हुई की बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे से यहाँ पर ये भी एक सीरीज़ है शो टाइम कहान एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना अनदान नहीं मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमान है तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कि मासमे के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कॉन्टेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए उसके लिए ब्लॉकबस्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो, किसको? इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में ख़रीद लेता है लेकिन एक नई नोल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैट बजा देती है इधर एक सुपरस्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरें नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपने मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छिनकर अपने पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल मो माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज़ बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज़ खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा करके फिल्म की तरह ही यहाँ पर कुछ गहरा उतरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अखबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आज़मी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालाँकि तो डिजनी प्लस है उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि अब आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज़ जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हाजमी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जब भी हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाज़मी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं ही के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप हमारा वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू है वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसकी बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो चारकास्टिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाजमी है नसराउद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक गैरेट सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्ज भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस स्टार पर इसे रिलीज कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर टेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इसे वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टर पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो जमाना आ चुका है ओटडी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत की बहुत ज्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज है शो टाइम कहाँ ने एक नाम फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना दान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कैमरा हासमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉक बफ्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किस इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में ख़रीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंड बजा देती है इधर एक सुपर स्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरे नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज बॉलीवुड के फिल्म मेकरस की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुना है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा करके फिल्म की तरह ही यहाँ पर कुछ गहरा उतरती नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अखबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आजमी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिजनी प्लस है उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अब आप, आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस ऑफ्टवेयर पर जा देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हजमी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी यह हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाजमे ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले है और आज हम यहाँ पर इन्हीं की कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहें तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो चार वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसराउद्दीन उद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा, बैंडिक सर्वेन वासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात कर कि यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पे ट्रेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इस वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टर पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो ज़माना आ चुका है ओटड़ी का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज भी देखने को मिलती है जैसे कि परजी थे कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई और ऐसे यहाँ पर ये भी एक सीरीज़ है शोट टाइम कहान एक नामे फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन उद्दीन शाह और अपने ज़माने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना दान नहीं मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कि मरान हासमी के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए उसके लिए बास्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो, किसको? इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में खरीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैंड बजा देती है इधर एक सुपर स्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नज़रें नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छिनकर अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में बीच दृढ़ शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाया गया है ये सीरीज़ बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज़ खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा करके फिल्म की तरह यहाँ पर कुछ गहरा उतरती नजर आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अरबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर एक पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आज़मी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पर ये आप सभी को मिल जाएंगी जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिज़नी प्लस उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि अब आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज़ जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर ये मिलेंगी मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ जरूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान हाजमी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इमरान हाज़मी ने बहुत सारी शानदार फिल्में तो दे ही रखी है और इनके गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं पर अब वो आपको वेब सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं और आज हम यहाँ पर इन्हीं के कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले है आप हमारा ये वीडियो थोड़ा बहुत देखिएगा यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेंगी साथ ही में हम चर्चा करेंगे इसकी बहुत बो, थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो हो सके तो हमारे वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में या फिर कहे तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए अगर देखा जाए तो इसके जो रिव्यू हैं वो एक एवरेज रिव्यू आए हैं मगर आप इसे देखने जाते हैं तो हो सकता है कि जो आपने रिव्यू देख रखे हैं उससे कहीं उल्टा भी हो सकता है इसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलती है कहानी इसके बहुत ही मुझे दमदार लगी इसके अलावा इसके अंदर जो वो भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हमको बॉलीवुड के मल्टी एक्टर देखने को मिलते हैं मिलते हैं और कुछ बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं जैसे कि इमरान हाज़मी है नसराउद्दीन शाह महिमा मकवाना मोनी रॉय श्रिया शरण राजीव खंडेलवाला विशाल वशिष्ठा बैंडिक गेट सर्वेनवासवर महानंद जितेंद्र कुमार और भी यहाँ पर कुछ किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग चार एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जिसे अगर आप मार्च भी करते हैं तो लगभग इसका रन टाइम एक मूवी के समान ही होता है हिंदी में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इसे रिलीज़ कराया गया है जहाँ से आप इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और हिंदी के अंदर देख सकते हैं अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको कि खास क्या देखने को मिलेगी और इसके अंदर आखिरकार आपको जो है वो क्या कहानी देखने को मिलती है कई लोगों ने इस मूवी का जब यूट्यूब पर टेलर आया था उससे ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर क्या स्टोरी होगी पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं वो जो है वो इसे वीडियो को जारी रख सकते हैं बाकी आप चाहे तो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पर जाके जहाँ पर ये आपको मिलेंगी तो बॉलीवुड के दुनिया के अंदर दोस्तों अब जो है वो जमाना आ चुका है ओ का जहाँ पर बहुत सारे तगड़ी सीरीज भी देखने को मिलती है जैसे कि परजीत की बहुत ज़्यादा फेमस हुई और अगर यहाँ पर ये भी एक सीरीज है शो टाइम कहा एक नाम फिल्म स्टूडियो विक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है जिसके मालिक विक्टर खन्ना यानी कि नसराउद्दीन शाह और अपने जमाने के हिट रोमांटिक फिल्म मेकर होते हैं वे फिल्म बनाना और अपना दान रही मतलब धर्म मानते हैं लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती है तो कमाने तो कमान उनके जो बेटे हैं रघु खन्ना यानी कैमरा मरन में के हाथों में सौंप दी जाती है रघु का मंत्र होता है कि कंटेंट कैसा भी हो बस पैसा बढ़ना चाहिए तो उसके लिए ब्लॉकबस्टर भी मतलब परिभाषा होती है दो घंटे फिल्म देखो खाओ पियो किसको इसलिए वह समीक्षकों को पैसे खिलाकर स्टार्ट मतलब अच्छी रेटिंग में ख़रीद लेता है लेकिन एक नई नवल पत्रकार महिमा नंदी यानी कि महिमा मकवाना और उनकी जो फिल्म है उनकी बैट बजा देती है इधर एक सुपरस्टार अरमान यानी कि राजीव खंडेलवाल है जिनके अलग ही नजरे नखरे हैं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु का पिता अपनी मौत से पहले ही अपने स्टूडियो की बागडोर रघु से छिन अपनी पहली पत्नी की यानी कि नितिन महिमा नंदी को सौंप देता है यहाँ से रघु के माल माल मेकिंग और महिमा के फिल्म मेकिंग वाली सोच में दृंड शुरू हो जाता है अब ये जंग क्या मोड़ लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार ये सब कुछ आपको यहाँ बॉलीवुड के फिल्म की सिर्फ पैसे बनाने वाली सोच स्टार के नखरे फिल्म को बनने के लिए जो पीछे जोड़ तोड़ रिव्यूज खरीदने और उसके ऊपर बनाया गया है हालांकि दोस्तों इस मूवी के बारे में अगर बात करें तो जैसे सुने सुना है विषयों की जो बिना लाट लाट दिखाई जाती है लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर मधुर भंडरा करके फिल्म की तरह ही यहाँ पर कुछ गहरा उ दर्द नज़र आपको नहीं देखने को मिलती है दोस्तों मैंने जब इसके कुछ रिव्यू पहले देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ तो फिर मैंने बाद में इस फिल्म को ही खुद से देखना डिसाइड किया मैंने इसके चारों के चारों एपिसोड देख लिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो रणवीर कपूर की एक्टिंग है अखबार की तरह यहाँ पर शानदार है और अपने रोल में यहाँ पर वो काफ़ी फिट बैठते हैं सामने यहाँ पर पत्रकार भी है जिन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया हुआ है ये सीरीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरीज़ देखना चाहते हैं इमरान आजमी की या फिर कुछ नया देखना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं उनकी जो बिजनेस मॉडल है उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है आप इसे डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ ये आप देखना ही चाहते हैं तो डिजनी पिल्ला सॉफ्टवेयर पे ये आप सभी को मिल जाएंगे जहाँ से आप देख सकते हैं बॉलीवुड के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई है पर वेब सीरीज़ देखने का मजा अलग ही होता है आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको नाराज़ नहीं करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे और जैसे ही अगर इस मूवी का या फिर इस सीरीज़ का कोई दूसरा सीज़न आता है तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दे दूँगा हालांकि तो डिजनी प्लस है उन्होंने अपने प्लान में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं और आपको शायद पता ही होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अब आप, आपको वहाँ पर बहुत सारी फिल्में शोज जो है वो फ्री में देखने को मिलते रहते हैं अभी आप इस सीरीज़ को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर मिलेंगी। ये मिलेंगी भाई दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग सकती है फिलहाल अगर आप इमरान नजमी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे ही चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जब भी हम यहाँ पर इस मूवी के बारे में या फिर इस सीरीज के बारे में कोई जानकारी आपको प्रदान करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा